नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। बुध हो रहे मार्ग 4 फरवरी दिन शुक्रवार सुबह 9:20 पर लगभग, और मकर राशि में बुध का मार्गी होना क्या परिणाम देगा। मकर राशि शनि की राशि है और शनि और बुध की कहीं ना कहीं अच्छी मित्रता भी है, तो आपके लिए कुछ शुभ परिणाम आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मार्गी बुध आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और आपकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे। आप अपने अंदर की क्षमताओं को पहचान कर उनका सदुपयोग करेंगे। नौकरी व्यापार में दिक्कतों को दूर करने की क्षमता आपके अंदर होगी। संतान की तरक्की कहें या संतान का सुख कहें, ये आपको प्राप्त हो सकता है, लाभ प्राप्त हो सकता है। वाणी, व्यापार, शिक्षा, नौकरी में सफलता, पेशे में सफलता बुध आपको दे देंगे। आपकी राशि के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया बुध जरूर करेंगे। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक, और यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी, और आपकी राशि के लिए बुध का मार्गी होना क्या परिणाम लेकर आएगा। मार्गी शब्द का मतलब होता है सीधी चाल चलना, और वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना। अब बुध सीधी चाल चलने लगे हैं। जब बुध सीधी चाल चलते हैं तो त्रिव गति से कुछ राशियों को बहुत फायदा कराते हैं, कुछ के लिए संघर्ष भी कराते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि में क्या संघर्ष है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बेहतर है। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद आप वो जान जाएंगे जो आपको जानना चाहिए। तो आइए शुभारंभ करते हैं। बुध का मार्गी होना 4 फरवरी से आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है। बात करेंगे मकर राशि की। बुध का ये जो मार्गी होना है मकर राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप बहुत ही उत्साह से भर जाएंगे, जीवन में खुशियाँ आएंगी, और जब भी किसी विषय में बात करेंगे तो मन में उत्साह होगा, कुछ पाने की इच्छा होगी, कुछ चाह होगी, मतलब खुशी खुशी बात करेंगे आप इस समय में। आप अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। सही समय पे, सही जगह पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। मानसिक स्थिति बहुत बेहतर होगी, लचीले होंगे, जैसा वक्त होगा वैसे ढल जाएंगे। अच्छे के साथ अच्छे, बुरे के साथ बुरे। लोग हंस रहे हैं तो आप भी हंसेंगे, लोग सीरियस हैं तो आप भी सीरियस हो जाएंगे। यानी कि जैसा वक्त वैसे आप हो जाएंगे। जैसे आपने पानी को देखा है ना, पानी, पानी को थाली में डालो तो थाली का आकार ले लेता है, पानी को गिलास में डालो तो गिलास का आकार, कप में डालो तो कप का, लोटे में डालो तो लोटे का, और घड़े में डालो तो घड़े का। तो आप इस प्रकार के होंगे, हर जगह पर घुल मिल जाएंगे, लचीले होंगे, और जैसी परिस्थिति होगी, हंसने वाली होगी तो लोगों के साथ हंसेंगे, चुप रहने वाली होगी तो चुप रहेंगे, और बोलने वाली होगी तो बोलेंगे। लेकिन इस समय में कुछ लोग बहुत बातूनी हो जाएंगे, जरूरत से ज़्यादा बातचीत करेंगे, बेफालतू में दूसरों का दिमाग खाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। खासकर जो मकर राशि के छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने अभी बोलना सीखा होगा या अभी छोटे बच्चे हैं, वो खूब चटर पटर बातें करेंगे और माँ बाप का खूब दिमाग खाएंगे, और अच्छी भी लगेंगी उनकी तोतली भाषा में जब वो बात करेंगे। तो इस घर में जब बुध जो आते हैं तो व्यक्ति के अंदर आकर्षण हो जाता है, और आप सब कुछ जानने की इच्छा रखते हैं और सब कुछ जान भी जाते हैं, और एक अच्छे मूड में रहेंगे आप हमेशा। अधिकतर समय में आप मुस्कुराते रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे, और बहुत ही बढ़िया इंसान होंगे, हंसते मुस्कुराते किसी को, किसी का भी दिल जीत लेंगे। और आप ये समझ लीजिए कि कई बार क्या होता है, आपको इतनी सफलताएँ मिल जाती हैं कि आप अहंकारी भी हो जाते हैं, तो अहंकार से बचना होगा। और आम तौर पर अगर देखा जाए तो आप अपना ध्यान अपने काम पर लगा पाएंगे, बुद्धि से, विवेक से अपने कामों को पूरा कर पाएंगे। अवसरवादी होंगे आप, मौका देखा नहीं कि उस पर लपक के उसको अपनी तरफ कर लिया, मौका देखते ही आप मौके को भांप जाएंगे और उसको अपने हक में करने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी कुछ आपके पास होगा, और जो नहीं होगा वो अपनी मीठी मीठी बातों से दूसरे से ले लेंगे, जैसा वक्त होगा वैसे ढल जाएंगे। यानी कि आप अपनी चीज़ों को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर गुजरेंगे, कैसे भी हो जाएंगे, बस अपना काम बन जाए, उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं करने को तैयार हूँ। और बहुत ही चालाक होंगे, बहुत ही संपन्न होंगे, बहुत ही चतुर होंगे, दूसरों की आँख में से काजल चुराने वाले आप
इंसान होंगे। आप सब कुछ अपने नियंत्रण में रखेंगे, एक अद्भुत इंसान, अद्भुत बेटा, अद्भुत बेटी, एक अद्भुत नेता और एक अच्छे अद्भुत मैनेजर, एक बहुत अच्छे शिक्षक, अच्छे पिता, अच्छी माता होंगे। और शिकायतें करेंगे, चुगलबाज भी हो सकते हैं, चुगली करेंगे, इधर की उधर कर देंगे, इधर की दूसरों को लड़ाने वाला काम भी करेंगे, दूसरों को लड़ा के अपना काम सीधा करने वाले इंसान भी हो जाएंगे, और इधर उधर की बातें करेंगे, दूसरों की शिकायतें करेंगे, गलती खुद करेंगे, नाम किसी और का लगा देंगे, ऐसी आदतें भी आपके अंदर आ जाएंगी, और खुद जो गलती की होगी उसको मानेंगे नहीं और इल्जाम दूसरे पे लगा देंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये थोड़ा बचपने में भी हो जाता है ऐसा। मकर राशि के जातकों के लिए बुध छठे और नौवें भाव के स्वामी है और लग्न में जब मार्गी होंगे तो इस दौरान जो आपकी नौकरी है, आपका जो व्यापार है, उसमें बहुत ही शानदार स्थिति मिलेगी। मैंने क्या कहा, आप लचीले होंगे, अपना काम निकलवाने वाले इंसान होंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसा वक्त वैसे आप, जैसी हवा चलेगी वैसे आप चलेंगे। कार्यस्थल पर नौकरी करते हैं तो समय अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा, माहौल बढ़िया रहेगा, सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, और संभव है कि कहीं यात्रा वात्रा, लंबी यात्रा विदेश वगैरह की भी हो जाए तो भी आपके लिए बढ़िया ही रहेगा। और व्यवसाय जो भी करते हैं, व्यापार जो भी करते हैं, खूब बढ़िया पैसा कमा पाएंगे। नौकरी में तरक्की हो ही रही है, कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, नया स्टार्टअप लगा सकते हैं, कुछ नए अवसर आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, कुछ अवसर अपने यहाँ पाएंगे, कुछ अवसर आप पैदा कर देंगे। पैसों के मामले में देखा जाए तो पैसों की तनिक भी कमी नहीं होगी, शनि की 7.5 जरूर चल रही है, उसके बावजूद भी आप लाभ में ही रहेंगे। और आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल लाइफ है, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, वो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा, कहीं पर भी कोई कमी होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। परिवार में हंसी खुशी के माहौल होंगे, घर की जरूरतों को आप पूरा कर पाएंगे, ये यादगार वक्त होगा आपके लिए। सेहत अच्छी, पैसा अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा, घर परिवार अच्छा, खुशियाँ अच्छी, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो खुश हो जाइए कि आगे आने वाला वक्त आपके पक्ष में है और बुध की कृपा से आप विजय प्राप्त करेंगे। बुध जो है ऐसे ग्रह हैं जो कुमार ग्रह है, छोटा ग्रह, यानी बच्चा जो होता है उसको बुध बोला जाता है, कुमार, राजकुमार बोला गया है ज्योतिष में इनको। तो बुध को मनाने के लिए आपको बहुत आसान से उपाय करने हैं, गणेश जी की उपासना कर लीजिए, बुध आपके अच्छे हो जाएंगे। अगर जन्म कुंडली में बुध की स्थिति बेहतर है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया परिणाम यहाँ पर आने वाले हैं। शनि की 7.5 होने के बावजूद भी आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे और खुशियाँ प्राप्त करेंगे। और अगर जन्म कुंडली में बुध की स्थिति खराब है और अन्य कोई अशुभ योग बन रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, उसको सही करने के उपाय करिएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और सफलता पाते रहे। और कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरि ओम, नमस्कार। और हाँ, क्या आपके पास आपकी जन्म कुंडली है? क्या आप अपने 2022 और 2023 को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं? तो आइए जानिए कैसे आप अपने साल 2022 और 23 को बेहतरीन बना सकते हैं। सफलता सबको नहीं मिलती, सफलता सबको वक्त पर नहीं मिलती, लेकिन सफलता चाहिए सबको होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आप भी अगर सफल होना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है, जब तक आपकी जन्म कुंडली आपके पास नहीं होगी तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या है। तो आपको मैं एक ऑफर दे रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आप अपनी 2022 की जन्म कुंडली बनवाएं और 2022 की जन्म कुंडली में जाने कि आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके सभी ग्रह मजबूत हो जाए और आप लाभ प्राप्त कर सकें। 2022 के साथ 2023 की कुंडली हम आपको मुफ्त देंगे ताकि आने वाले 2 साल आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित ज्योतिष के आधार पर। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान, जन्म तारीख और जन्म समय साफ साफ लिखकर व्हाट्सएप करना है दिए गए नंबरों पर, और ये कुंडली आपको ईमेल के द्वारा या आपके व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी और इसको भेजने का शुल्क होगा 799 रुपये, 799। और अगर आप इसको कागज के रूप में चाहते हैं तो ये स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी जिसका मूल्य होगा 1000 रुपये।
आप लोग ऑर्डर करने के लिए L 100 L 100 लिखकर व्हाट्सएप करें और अपनी 2022 और 2023 की कुंडली प्राप्त करें और दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।